अमीर बनना आपका अधिकार। जो समृद्ध और संपन्न जीवन आप चाहते हैं वो आपकी पहुंच के भीतर है। जब आप एक समृद्ध जीवन जीने के बारे में सोचते हैं तो आप क्या कल्पना करते हैं? क्या आप खुद को पैसे में लुढ़कते हुए देखते हैं, या आप खुद को स्वास्थ्य के गुलाबी रंग में देखते हैं? हो सकता है कि आप केवल खुश रहना चाहते हो, या हो सकता है कि आप कल्पना करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप कभी चाहते थे। आप जिस समृद्ध प्रचुर जीवन की इच्छा रखते हैं वो आपके आसपास ही है, बस उसे सही दिशा में खोजने की देरी है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। बल्कि ये कथन सबके लिए अमल होगा कि धन पे आपका अधिकार है, यानी अमीर होना आपका अधिकार है। बस इसे पाना कैसे है, कैसे हमें खुद को अपने इस अधिकार से अवगत कराना है, ये उचित तरीके और इन पे अमल करने का ज्ञान हमें आ जाए तो हर कोई तन मन और धन तीनों पर ही अपने मन मुताबिक हक पा सकता है। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी इस किताब में समग्र कल्याण और असीम सफलता के लिए शक्तिशाली प्रथाओं और तकनीकों को स्पष्ट करते हैं। कुछ अलग तरह की तकनीकें जैसे कि प्रार्थना, आत्म सुझाव, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना और हमारे शब्दों और विचारों को ध्यान में रखना उचित परिणाम लाता है, जिससे व्यक्ति को समृद्धि का जीवन प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिसके आप हकदार हैं। अमीर बनने के सपने को सच में बदलने का तरीका बताती है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी ऑडियो बुक अमीर होना आपका अधिकार। तो आज ही सुने और अपने हक और अधिकारों से खुद को अवगत करा के अपने सपनों को साकार करें। भाग एक, उपचारात्मक सिद्धांत को कैसे लागू करें। मैं तुम्हें फिर से स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और तुम्हारे घावों को भरूंगा, यही यहोवा की वाणी है। मेरे अंदर ईश्वर की असीम संभावनाएं हैं। मुझे पता है कि सभी चीजें ईश्वर के साथ संभव है। मैं इस पर विश्वास करता हूं और इसे पूरे हृदय से स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे ईश्वर की शक्ति अंधकार को प्रकाश में बदलती है और दुष्ट आत्माओं को सत्य पथ का अनुगामी बनाती है। मेरे अंदर रहने वाला ईश्वर मेरी चेतना को जगा रहा है। अब मैं मन, शरीर और घटनाक्रम की चिकित्सा के लिए शब्दों का उच्चारण हूं। मुझे पता है कि ये आंतरिक सिद्धांत मेरी आस्था और विश्वास को जवाब देता है। ईश्वर का काम करते हैं। मैं अब अपने जीवन, प्रेम, सच्चाई और सुंदरता के संपर्क में हूं। अब मैंने अपने अंदर प्रेम और जीवन के अनंत सिद्धांत के साथ खुद को मिला लिया है। मुझे पता है कि मेरे शरीर में अब सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति है। मैं अपने संपूर्ण स्वास्थ्य की धारणा में रहता हूं, चलता हूं और कार्य करता हूं, यही वास्तविकता है। मैं अब अपने संपूर्ण शरीर की वास्तविकता की कल्पना करता हूं और उसे महसूस करता हूं। मैं शांति और कल्याण की भावना से भर गया हूं। धन्यवाद ईश्वर। उपचारात्मक सिद्धांत। जीसस ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें संपूर्ण कर दिया है। मैं सकारात्मक रूप से अपने अंदर ईश्वर के उपचारात्मक सिद्धांत पर विश्वास करता हूं। मेरा चेतन और अवचेतन मन पूर्ण सम्मति में है। मैं सत्य कथन को स्वीकार करता हूं और उसकी सकारात्मक रूप से पुष्टि करता हूं। मैं जो शब्द बोलता हूं वो आत्मा के शब्द हैं और सत्य का प्रतीक है। अब मैं ये फैसला करता हूं कि ईश्वर की चिकित्सा शक्ति मुझे शुद्ध और परिपूर्ण करने के लिए मेरे संपूर्ण शरीर को बदल रही है। मैं एक गहरी एवं आंतरिक
प्रामाणिकता के साथ विश्वास करता हूं कि मेरे विश्वास की प्रार्थना अब प्रकट हो रही है। मैं सभी मामलों में ईश्वर के ज्ञान द्वारा निर्देशित हूं। ईश्वर का प्रेम मेरे मन और शरीर में पारलौकिक सौंदर्य और प्रेम का प्रवाह करता है। मेरे अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु को रूपांतरित, सामान्य और ऊर्जावान बनाता है। मैं उस शांति को महसूस करता हूं जो स्पष्ट रूप से प्रवाहित हो रही है। ईश्वर की शोभा मुझे घेर लेती है और मैं हमेशा के लिए इसकी शरण में हूं। उसके वस्त्रों को पहनना। मैंने ईश्वर को अपनी आत्मा के अभ्यारण्य में पाया है। ईश्वर ही जीवन है, वो जीवन मेरा जीवन है। मैं जानता हूं कि ईश्वर शरीर नहीं है, वो आकारहीन, शाश्वत और चिर युवा है। मैं अपने मन की आंखों में ईश्वर को देखता हूं। मैं ईश्वर को अपनी समझ से ठीक उसी प्रकार देखता हूं जैसे मैं किसी गणितीय प्रश्न का उत्तर देखता हूं। मैं अब शांति, शिष्टता और शक्ति के बारे में जागरूक हूं। मेरे साथ आनंद, शांति और सद्भाव की यह भावना वास्तव में मेरे साथ वाली ईश्वर की भावना है। ये कार्य ईश्वर का है जो सर्वशक्तिमान है। मुझे चोट पहुंचाने की शक्ति बाहरी चीजों में नहीं है, एकमात्र शक्ति मेरी ही मन और चेतना में है। मेरा शरीर ईश्वर का वस्त्र है। सर्वशक्तिमान की जीवित भावना मेरे अंदर है। ये बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और परिपूर्ण है। मुझे पता है कि ये पवित्र भावना ईश्वर है और ये भावना अब मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है और मेरे शरीर को संपूर्ण, शुद्ध और परिपूर्ण बना रही है। मेरा अपने शरीर और अपने विश्व पर पूरा नियंत्रण है। शांति, शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में मेरे विचारों में अब ईश्वर की शक्ति का एहसास हो रहा है। हृदय से शुद्ध व्यक्ति ईश्वर को देखने का वरदान प्राप्त करें। मैंने उसकी पवित्र उपस्थिति को देखा और महसूस किया है। ये अद्भुत है। शांत मन। ईश्वर मेरे केंद्र में रहते हैं, ईश्वर ही शांति है। ये शांति अब मुझे उसकी शरण में मिलती है। इस शांति में सुरक्षा, जीवन शक्ति और शक्ति की गहरी भावना अंतर्निहित है। मेरे अंदर शांति की ये आंतरिक भावना शांत भाव से ईश्वर की सोच है। प्रेम और ईश्वर का प्रकाश मेरी रक्षा उसी प्रकार करता है जैसा एक प्रेम करने वाली माँ सोते हुए बच्चे की रक्षा करती है। मेरे हृदय में पवित्रता है जो मेरी शांति, शक्ति और आपूर्ति का स्रोत है। सारा भय समाप्त हो गया है। मैं सभी लोगों में ईश्वर को देखता हूँ। मैं सभी चीजों में ईश्वर को प्रत्यक्ष देखता हूँ। मैं दिव्य उपस्थिति का एक साधन हूँ। मैं अब इस आंतरिक शांति को मुक्त करता हूँ। ये मेरी सारी समस्याओं को मुक्त करने और समाप्त करने के माध्यम से प्रवाहित होती है। ये वही शांति है जो स्पष्ट रूप से प्रवाहित होती है। मानसिक संतुलन। मैं तुम्हारी आत्मा से दूर कहां जाऊंगा, या फिर मैं आपकी उपस्थिति से भाग जाऊंगा? यदि मैं स्वर्ग में जाता हूं तब भी ये वहां है, यदि मुझे नरक में स्थान मिलता है तब भी ये वहां है, यदि मैं प्रातःकाल के पंख लगा लूं और समुद्र पर निवास करूं तब भी आपका हाथ मुझे रास्ता दिखाएगा और आपका हाथ मुझे पकड़ लेगा। मैं अब एक दिव्य उत्साह से भरा हुआ हूं क्योंकि मैं देवत्व की उपस्थिति में हूं। मैं सभी शक्तियों, ज्ञान, ऐश्वर्य और प्रेम की उपस्थिति में हूं। ईश्वर का प्रकाश मेरे बौद्धिक ज्ञान को रोशन करता है। मेरा दिमाग शांति, संतुलन और समानता से भरा है। सभी चीजों के लिए एक सही मानसिक समायोजन है। मैं अपने स्वयं के विचारों के साथ शांति में हूं। मैं अपने काम में आनंदित हूं, इससे मुझे आनंद और खुशी मिलती है। मैं अपने दिव्य भंडार से लगातार ईश्वर की शांति का भरण करता हूं क्योंकि यही केवल उपस्थिति और एकमात्र शक्ति है। मेरा मस्तिष्क ही तो ईश्वर का मस्तिष्क है। मैं शांति में हूं, ईश्वरीय शांति।
मेरी दुनिया में सब ओर शांति ही शांति और सद्भाव ही सद्भाव है, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर शांति का ईश्वर है। मैं कर्म में ईश्वर की चेतना हूं। मैं हमेशा शांति के घर में हूं। मेरा मन संतुलित, निर्मल और शांत है। शांति और सद्भावना का माहौल मुझे घेरे हुए है। मैं एक गहरी ताकत और सभी प्रकार के भय से मुक्त महसूस करता हूं। मैं अब ईश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रेम और सुंदरता को महसूस करता हूं। दिन प्रतिदिन मैं ईश्वर के प्रेम के बारे में अधिकाधिक जागरूक हो रहा हूं। जो मिथ्या है वो सब समाप्त हो जाता है। मैं सभी लोगों में ईश्वर को देखता हूं, क्योंकि ये मेरी एकमात्र उपस्थिति और एकमात्र शक्ति है। मेरा मन ईश्वर का मन है। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। मुझे पता है कि जैसे ही मैं अपने अंदर इस आंतरिक शांति को प्रवाहित होने देता हूं, सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। मैं ईश्वर में वास करता हूं, इसीलिए ही तो मैं शांति की शाश्वत भुजाओं में विश्राम करता हूं। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा है। मेरी शांति गहरी है, अर्थात अपरिवर्तनशील ईश्वर की शांति है। ये ईश्वर की शांति है जो स्पष्ट रूप से प्रवाहित होती है। आध्यात्मिक औषधि। एक हसमुख हृदय एक हसमुख हाव भाव बनाता है। सर्वशक्तिमान की भावना मेरे शरीर के प्रत्येक कण कण को संपूर्ण आनंदमय और परिपूर्ण बनाती है। मुझे पता है कि मेरे शरीर के सभी कार्य इस आंतरिक आनंद को प्राप्त करते हैं। मैं अब अपने ईश्वर के उपहार को समाहित हूं। इससे मुझे अद्भुत अनुभूति होती है। खुशी और रोशनी का ईंधन मेरी बुद्धि का अभिषेक करता है और मेरे पैरों पर एक दीपक बन जाता है। मैं अब भावनात्मक रूप से पूर्णतः समायोजित हूं। मेरे मस्तिष्क, शरीर और व्यवसाय में एक दिव्य संतुलन कार्य कर रहा है। मैं इस क्षण से मिलने वाले हर व्यक्ति से शांति खुशी व्यक्त करने का संकल्प करता हूं। मुझे पता है कि ईश्वर से सुख और शांति मिलती है, जैसा कि मैं उनका प्रकाश, प्रेम और सत्य दूसरों पर बिखेरता हूं। मैं भी अनगिनत तरीकों से अपने आप को आशीर्वाद और उपचार प्रदान कर रहा हूं। मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए ईश्वर के प्रेम की धूप को बिखेरता हूं। उसका प्रकाश मेरे माध्यम से चमकता है और मेरे रास्ते को रोशन करता है। मैं शांति, आनंद और खुशी व्यक्त करने के लिए संकल्पित हूं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। जब भय, ईर्ष्या या आक्रोश का नकारात्मक विचार मुझमें प्रवेश करता है, तो मैं इसे ईश्वर के विचार से दबा देता हूं। मेरे विचार ईश्वर के विचार है और ईश्वर की शक्ति मेरे अच्छे विचारों के साथ है। मुझे पता है कि मेरे विचारों और भावनाओं पर मेरा पूरा प्रभुत्व है। मैं दिव्यता का एक माध्यम हूं। अब मैं अपनी सभी भावनाओं और भावों को सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक दिशा में पुनर्निर्देशित करता हूं। परमेश्वर के पुत्र आनंद के लिए चिल्लाएं। मुझे परमेश्वर की शांति, सद्भाव और सद्भावना से ओतप्रोत विचारों को स्वीकार करने और उन्हें व्यक्त करने की खुशी है। ये मेरे अंदर की सारी कलह को ठीक कर देता है। केवल ईश्वर के विचार मेरे मन में प्रवेश करते हैं, जिससे मुझे सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति मिलती है। प्रेम ईश्वर ही तो है। पूर्ण प्रेम भय, आक्रोश और सभी नकारात्मक अवस्थाओं को प्राप्त कर देता है। मुझे अब सत्य से प्रेम हो गया है। मैं सभी पुरुषों के लिए वो कामना करता हूं जो मैं अपने लिए कामना करता हूं। मैं सभी के लिए प्यार, शांति और सद्भावना को प्रसारित करता हूं। मैं शांति महसूस करता हूं। भय पर विजय। अब कोई डर नहीं, क्योंकि पूर्ण प्रेम ने भय को समाप्त कर दिया है। आज मैं प्रेम को अपनी दुनिया के सभी स्तरों पर पूर्ण सामंजस्य और शांति बनाए रखने की अनुमति देता हूं। मेरे विचार प्रेममय है, दयालु है और सामंजस्यपूर्ण है।
मैं ईश्वर के साथ अपनेपन का एहसास करता हूं क्योंकि उसी में मैं रहता हूं, चलता फिरता हूं और ये मेरा अस्तित्व है। मुझे पता है कि मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण क्रम में सिद्ध किया जाएगा। मुझे अपने आदर्शों को साकार करने के लिए ईश्वरीय कानून पर भरोसा है। पिता काम करते हैं, मैं दिव्य आध्यात्मिक हर्षित और बिल्कुल निडर हूं। मैं अब ईश्वर की पूर्ण शांति से व्याप्त हूं। ये ईश्वर की शांति है जो स्पष्ट रूप से प्रवाहित होती है। मैं अब अपना सारा ध्यान वांछित विषय पर केंद्रित करता हूं। मुझमें ये इच्छा पसंद है और मैं इस पर अपना पूरा ध्यान देना चाहूंगा। मेरी आत्मा आत्मविश्वास और शांति की मनस्थिति में आ गई है। ये ईश्वर की ही तो आत्मा है जो मेरे अंदर है। ये मुझे शांति, सुरक्षा और आराम का एहसास कराती। सच में पूर्ण प्रेम भय को समाप्त कर देता है। पवित्र मंदिर। जो लोग यहोवा के घर में डेरा डालते हैं वे हमारे ईश्वर के आंगन में फलते फूलते हैं। मैं अभी भी शांति के घेरे में हूं। मेरा हृदय और मेरा मस्तिष्क अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता की भावना से प्रेरित है। मेरा विचार अब मेरे अंदर ईश्वर की उपस्थिति पर है। ये अभी भी मेरे मस्तिष्क में है। मुझे पता है कि सृष्टि के मार्ग पर आत्मा अपने आप चल रही है। मेरा सत्य अब मेरे शरीर और कार्य में शांति, सद्भाव और स्वास्थ्य पैदा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं अपने गहन आत्मा में परमात्मा हूं। मैं जानता हूं कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं आत्मा के आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर की रचना का तरीका हूं। मुझे पता है कि मेरा शरीर स्वयं नहीं चलता है, ये मेरे विचारों और भावों से संचलित होता है। मैं अपने शरीर से कहता हूं, स्थिर और शांत रहो। शरीर को इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। मैं इसे समझाता हूं और मैं जानता हूं कि ये एक ईश्वरीय कानून है। मैं अपना ध्यान भौतिक दुनिया से हटाकर अपने अंदर ईश्वर की सभा में लगाता हूं। मैं ध्यान और सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति से एकाग्र होता हूं। ये सभी ईश्वर सार से आते हैं। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। सारी पृथ्वी को उसके सामने चुप रहने दो। भाग दो, बहुतायत स्वीकार करें। ईश्वर अनंत शक्ति है। अवचेतन का उपयोग। जान लो कि मेरा भला क्षण यही है। मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूं कि मैं खुद के लिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और आनंद की भविष्यवाणी कर सकता हूं। मैं अब अपने मन में शांति, सफलता और समृद्धि की अवधारणा को प्रतिष्ठित करता हूं। मुझे पता है और विश्वास भी है कि ये विचार, ये बीज अवश्य ही विकसित होंगे और मेरे अनुभव खुद को प्रकट करें। मैं माली हूं। मैं जैसा बोता हूं वैसा ही काटूंगा। मैं ईश्वरीय विचारों या बीज बोता हूं। ये अद्भुत बीज शांति, सफलता, सद्भाव और सद्भावना है। ये एक अद्भुत फसल है। इसी क्षण से मैं अपने सार्वभौमिक बैंक यानी अवचेतन मन में शांति, आत्मविश्वास, शिष्टता और संतुलन के विचारों या बीज को जमा कर रहा हूं। मैं उन अद्भुत बीजों का फल निकाल रहा हूं जिन्हें मैं जमा कर रहा हूं। मैं इस तथ्य को मानता हूं और स्वीकार भी करता हूं कि मेरी इच्छा अवचेतन में एक बीज है। मैं इसकी वास्तविकता को महसूस करके इसे वास्तविक बनाता हूं। मैं अपनी इच्छा की वास्तविकता को उसी तरीके से स्वीकार करता हूं जैसे मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि जमीन में जमा बीज उगेगा। मुझे पता है कि ये बीज अंधेरे में बढ़ता है। मेरी इच्छा या आदर्श मेरे अवचेतन मन के अंधेरे में बढ़ता है। थोड़ी देर में ये बीज की तरह स्थिति, परिस्थिति, अयस्क के रूप में जमीन के ऊपर आता है, वस्तु बन जाता है। अनंत बुद्धिमत्ता मुझे हर प्रकार से नियंत्रित और मार्गदर्शित करती है।
जो भी चीज सही, ईमानदार, न्यायपूर्ण, प्रेमपूर्ण और अच्छी है, मैं उन पर ध्यान देता हूं। मुझे लगता है कि इन चीजों पर और मेरे विचारों पर ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। प्रार्थना का मार्ग। तुम अपने रास्ते को समृद्ध बनाओ और फिर तुम अच्छी सफलता प्राप्त करो। मैं अब अपने अवचेतन में सफलता और समृद्धि का एक स्वरूप बनाता हूं, जो कि एक नियम है। अब मैं खुद को ऊर्जा के अनंत स्रोत के रूप में मानता हूं। मैं अभी भी अपने अंदर उठती ईश्वर की धीमी आवाज को सुन सकता हूं। ये आंतरिक आवाज मेरी सभी गतिविधियों का नेतृत्व करती है, मार्गदर्शन करती है, और मैं ईश्वर की प्रचुरता के साथ हूं। मुझे पता है और विश्वास है कि मेरे व्यवसाय के संचालन के नए और बेहतर तरीके हैं। अनंत बुद्धिमत्ता मेरे लिए नए रास्ते बनाती है। मेरे ज्ञान और समझ में वृद्धि हो रही है। मेरा कार्य ईश्वर का कार्य है। मैं हर प्रकार से दिव्य हूं। मेरे अंदर ईश्वरीय बुद्धि उन तरीकों और साधनों को प्रकट करती है, जिनके द्वारा मेरे सभी कार्यों को तुरंत सही तरीके से समायोजित किया जाता है। आस्था और दृढ़ विश्वास के शब्द जो मैं बोलता हूं, वो सफलता और समृद्धि के सभी आवश्यक दरवाजे या पथ खोल देता है। मुझे पता है कि द लॉर्ड कानून मुझसे जुड़े नियम को पूर्ण करेगा। मेरे कदम सही मार्ग पर हैं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रचुर जीवन का एहसास कैसे करें? मुझे पता है कि समृद्ध होने का मतलब सभी दिशाओं के साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होना है। ईश्वर मुझे अब मन, शरीर और कार्य में समृद्ध कर रहा है। ईश्वर के विचार मेरे अंदर निरंतर मेरे लिए स्वास्थ्य, धन और संपूर्ण दिव्य की अभिव्यक्ति लाते हैं। मैं अंतर मन तक रोमांचित हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे जीवन और मेरे होने के हर कण को महत्वपूर्ण बनाता है। मुझे पता है कि ईश्वर का जीवन अब मुझे सजीव और सशक्त बना रहा है। अब मैं जीवन शक्ति से परिपूर्ण, उज्जवल शरीर से ऊर्जा, उत्साह और शक्ति को बिखेर रहा हूं। मेरा कार्य या पेशा एक ईश्वरीय गतिविधि है, और चूंकि ये ईश्वर का व्यवसाय है, इसलिए ये सफल और समृद्ध है। मैं अपने शरीर, मन और कार्यों के माध्यम से एक आंतरिक पूर्णता की कल्पना करता हूं और उसे महसूस करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं और प्रचुर जीवन का आनंद लेता हूं। आस्था की प्रार्थना। विश्वासपूर्ण प्रार्थना बीमार आदमी को बचाएगी और परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। मुझे पता है कि कल की उपेक्षा चाहे जो भी रही हो, आज मेरी प्रार्थना या सत्य की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैं उत्तरित प्रार्थना का आनंद प्राप्त करता हूं। मैं दिन भर प्रकाश में चलता हूं। आज ईश्वर का दिन है। ये मेरे लिए एक शानदार दिन है, क्योंकि ये शांति, सद्भाव और खुशी से भरा है। भलाई में मेरा विश्वास मेरे हृदय पर लिखा है और मेरे अंदर महसूस किया गया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एक उपस्थिति और एक आदर्श कानून है, जो अब मेरी इच्छा को प्राप्त करता है, और वो मेरे हृदय की इच्छाओं से सभी अच्छी चीजों का अनुभव करती है। अब मैं अपनी सारी निर्भरता, आस्था और विश्वास को अपने अंदर शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति के लिए रखता हूं। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं अनंत शक्ति का मेहमान हूं और ईश्वर मेरा मेजबान है। मैं पवित्र व्यक्ति का निमंत्रण, मेरे पास आओ और सब श्रम करो और मैं तुम्हें शांति दूंगा, सुनता हूं। मैं ईश्वर में शांति प्राप्त करता हूं। सब ठीक है। प्रचुर मात्रा में जीवन। खेत में फलने फूलने वाले लिली पर विचार करें। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना ही घूमते हैं। अभी तक सुलेमान ने अपनी महिमा में इन सभी में से एक को भी नहीं छोड़ा। मुझे पता है कि ईश्वर मुझे सभी तरीकों से समृद्ध कर रही है। मैं अब प्रचुर जीवन व्यतीत कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रचुर ईश्वर में विश्वास करता हूं। मुझे वो
सब कुछ प्रदान किया गया है जो मेरी सुंदरता, भलाई, प्रगति और शांति में योगदान देता है। मैं प्रतिदिन अपने अंदर ईश्वर की भावना का फल अनुभव कर रहा हूं। मैं अब अपना भला मानता हूं। मैं प्रकाश में चलता हूं और सब अच्छा मेरा है। मैं आमतौर पर शांत, निर्मल और संतुलित हूं। मैं जीवन के स्रोत के साथ हूं। मेरी सभी जरूरतों को समय के हर क्षण और अंतरिक्ष के हर बिंदु पर पूरा किया जाता है। मैं अब सभी खाली बर्तन पिता के पास लाता हूं। ईश्वर की परिपूर्णता मेरे जीवन के सभी विभागों में प्रकट होती है। ये सब पिता का है। मुझे खुशी है कि ऐसा है। कल्पना ईश्वर की कार्यशाला, जहां कोई दूरदर्शिता नहीं होती, लोग नष्ट हो जाते हैं। मेरी दूरदृष्टि ये है कि मैं जिस तरह से ईश्वर काम करता है, उस तरीके को और अधिक जानने की इच्छा रखता हूं। मेरी पूर्ण स्वास्थ्य सद्भाव और शांति के लिए है। मेरी दृष्टि आंतरिक विश्वास है कि अनंत आत्मा सभी तरीकों से मुझे स्वस्थ करती है और मेरा मार्गदर्शन करती है। मैं जानता हूं और मानता हूं कि मेरे अंदर की ईश्वर शक्ति मेरी प्रार्थना का उत्तर देती है। ये मेरे अंदर का एक गहरा विश्वास है। मुझे पता है कि कल्पना मेरे मन में मेरी छवि का परिणाम है। जैसा कि पॉल कहते हैं, विश्वास वो पदार्थ है जिससे छवि बनती है। मैं केवल अपने लिए और दूसरों के लिए महान, अद्भुत और मसीह जैसा होने की कल्पना करता हूं। अब मैं कल्पना करता हूं कि मैं ये काम बहुत लंबे समय से कर रहा हूं। अब मैं उन चीजों को अपने पास रखने की कल्पना लंबे समय से रखता हूं जो मेरे पास है। मैं कल्पना करता हूं कि मैं जो हूं लंबे समय तक बना रहूंगा। इसे वास्तविक बनाने के लिए मैं इसकी वास्तविकता महसूस करता हूं। मुझे पता है कि ऐसा है। आपका धन्यवाद फादर। मेरे लिए ईश्वर की इच्छा। ईश्वर मेरे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलता है और मुझे आशीर्वाद देता है। ईश्वर की इच्छा ईश्वर जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए मेरे लिए ईश्वर की इच्छा स्वास्थ्य, अच्छाई, सद्भाव और प्रचुरता है। यदि तुम मुझ में निवास करते हो और मेरे शब्द तुम में रहते हैं, तो तुम पूछोगे कि तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण कर दिया जाएगा। प्रत्येक दिन मेरे ज्ञान और समझ में वृद्धि हो रही है। मैं ईश्वर के कार्यों के लिए एक आदर्श माध्यम हूं। मैं सभी चिंताओं और भ्रम से मुक्त हूं। मेरे अंदर असीम बुद्धिमत्ता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। मुझे पता है कि मैं सही काम करने के लिए प्रेरित हूं, क्योंकि मेरे सभी कार्यों में ईश्वर का मार्गदर्शन है। स्पष्ट रूप से प्रवाहित होने वाली शांति मेरे मन को पूर्ण कर देती है। मैं अपने आदर्श को मानने के साथ साथ स्वीकार भी करता हूं। मुझे पता है कि ये अनंत में मौजूद है। मैं इसे अपनी पूर्ण मानसिक स्वीकृति द्वारा रूप और अभिव्यक्ति देता हूं। मुझे पूरी हुई इच्छा की वास्तविकता महसूस होती है। ईश्वर की शांति मेरी आत्मा को भर देती है। मौन रहो। यीशु ने कहा, ईश्वर एक भावना है और जो उसे पूछते हैं उन्हें उसी भावना और सत्य में उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं जानता हूं और महसूस भी करता हूं कि ईश्वर मेरे अंदर की एक भावना है। मुझे पता है कि ईश्वर मेरे अंदर सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति की भावना का विश्वास है। ये मेरे अपने हृदय की गति है। आत्मविश्वास और विश्वास की भावना जो अब मेरे पास है, वो ईश्वर की आत्मा और मेरे मन पर ईश्वर की क्रिया है। यही ईश्वर है। ये मेरे अंदर की रचनात्मक शक्ति है। मैं जीता हूं, आगे बढ़ता हूं और मेरा विश्वास और आस्था है कि अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता मेरे जीवन के सभी दिनों में बनी रहेगी। ईश्वर और सभी चीजों में विश्वास सर्वशक्तिमान है। ये सभी बाधाओं को दूर करता है। मैं अब इंद्रियों का द्वार बंद कर देता हूं। मैं दुनिया के सारे ध्यान हटा लेता हूं। मैं एक सुंदर और भले ईश्वर की ओर जाता हूं। यहां मैं समय और स्थान से परे अपने पिता के साथ रहता हूं।
यहां मैं सर्वशक्तिमान की छाया में रहता हूं और चलता फिरता हूं। मैं हर प्रकार के भय, दुनिया के निर्णय और चीजों की उपस्थिति से मुक्त हूं। मैं अब उनकी उपस्थिति को महसूस करता हूं जो पूरी होने वाली प्रार्थना या मेरी भलाई की उपस्थिति की भावना है। मैं वो बन गया हूं जिस पर मैं चिंतन करता हूं। अब मुझे लगता है कि मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। ये भावना, यह जागरूकता मुझ में ईश्वर का कार्य है। ये रचनात्मक शक्ति है। मैं पूरी होने वाली प्रार्थना के आनंद के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं मौन धारण कर लेता हूं कि मेरी पुकार को, मेरी प्रार्थना को सुन लिया जाए। होना, करना और प्राप्त करना, मेरे केंद्र में शांति है। ये ईश्वर की शांति है। इस स्थिरता से मुझे शक्ति, मार्गदर्शन और प्रेम की पवित्रता महसूस होती है। मैं दैवी रूप से सक्रिय हूं। मैं संपूर्ण दिशाओं में ईश्वर की पूर्णता व्यक्त कर रहा हूं। मैं दिव्यता का एक माध्यम हूं और मैं अब आंतरिक भव्यता को प्रवाहित करता हूं। मैं अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति के लिए दिव्य रूप से निर्देशित हूं। मुझे एक शानदार विधि से प्रतिफल दिया गया है। मैं ईश्वर को हर वस्तु में देखता हूं और ईश्वर हर जगह सभी पुरुषों में निहित है। मुझे पता है कि जैसे ही मैं शांति की इस नदी में अपने अस्तित्व को बहने देता हूं तो मेरी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। मुझे पूरी तरह से खुद को व्यक्त करने की आवश्यकता है और फिर सभी चीजें आकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा मुझे आकर्षित करती हैं। जिस तरह से मुझे पता चला है, मैं खुशी और सद्भाव से भर गया हूं। भाग 3, प्रेम, व्यक्तित्व, मानव और पारिवारिक संबंध। ईश्वर का फैलाव। तुम सब आपस में भाई भाई हो, क्योंकि सबका पिता एक है। मैं हमेशा हर परिस्थिति में और अपने सभी व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य, शांति और आनंद को बरकरार रखने को वरीयता देता हूं। मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं और दावा भी करता हूं कि ईश्वर की शांति मेरे घर और व्यवसाय में सभी के मन और हृदय में सर्वोच्च रूप से विद्यमान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। मैं हमेशा शांति, शिष्टता, धैर्य और ज्ञान बनाए रखता हूं। मैं पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से सभी को क्षमा करता हूं, चाहे उन्होंने जो भी कहा हो या किया हो। मैंने अपने सभी बोझ मसीह पर डाल दिए। अब मैं मुक्त हो गया। ये एक अद्भुत एहसास है। मुझे पता है कि मेरे क्षमा करने पर मुझे ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त होता है। मैं हर समस्या या कठिन परिस्थिति के पीछे ईश्वरीय उपस्थिति के दूत को देखता हूं। मुझे पता है कि हर चीज का समाधान है और ये कि हर चीज ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट है। ये सिद्धि का ज्ञान है। ईश्वरीय बुद्धिमता और स्वर्ग की निरपेक्ष व्यवस्था हर समय मेरे माध्यम से कार्य कर रही है। मुझे पता है कि व्यवस्था स्वर्ग का पहला कानून है। मेरा मन अब इस संपूर्ण सद्भाव पर खुशी और उम्मीद से लगा हुआ है। मुझे पता है कि परिणाम अपरिहार्य है, सही समाधान है। मेरा उत्तर ईश्वर का उत्तर है। ये दिव्य है। ये ईश्वर के फैलाव का माधुर्य है। आध्यात्मिक पुनर्जन्म। आज मैं आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म ले रहा हूं। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को पुरानी सोच से अलग कर रहा हूं और मैं अपने अनुभव में निश्चित रूप से दिव्य प्रेम, प्रकाश और सच्चाई ला रहा हूं। मैं हर मिलने वाले व्यक्ति के लिए सचेत रूप से प्रेम महसूस करता हूं। मानसिक रूप से मैं हर किसी से संपर्क करता हूं। मैं आप में मसीह को देखता हूं और मुझे पता है कि आप मुझ में मसीह को देखते हैं। मैं सभी में ईश्वर के गुणों को पहचानता हूं। मैं सुबह, दोपहर और रात को इस भावना का पालन करता हूं। ये मेरे जीवन का भाग है। मैं आध्यात्मिक रूप से अब पुनर्जन्म ले रहा हूं,
क्योंकि मैं दिन भर ईश्वर की उपस्थिति का आभास करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, चाहे मैं सड़क पर चल रहा हूं, खरीदारी कर रहा हूं या अपने दैनिक कार्य कर रहा हूं। जब भी मेरे विचार ईश्वर या पवित्रता से दूर होते हैं, मैं इन्हें ईश्वर की पवित्र उपस्थिति के चिंतन में वापस लाता हूं। मैं खुद को सज्जन, प्रतिष्ठित और मसीही जैसा महसूस करता हूं। मैं ईश्वर के साथ अपनी एकता को समझते हुए एक उच्च मनोदशा में चलता हूं। उसकी शांति मेरी आत्मा को पूर्ण कर देती है। प्रेम मुक्त करता है। ईश्वर ही प्रेम है और ईश्वर ही जीवन है। ये जीवन अभिन्न है और अविभाज्य भी। जीवन स्वयं और सभी लोगों के माध्यम से प्रकट होता है। ये मेरे अस्तित्व के केंद्र में है। मुझे पता है कि प्रकाश अंधेरे को दूर कर देता है। इसी तरह अच्छाई का प्रेम सभी बुराइयों को दूर करता है। प्रेम शक्ति का मेरा ज्ञान अब सभी नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाने में सक्षम है। प्रेम और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। मैं अब अपने मन में हर प्रकार के भय या चिंतित विचारों पर ईश्वर के प्रकाश को डालता हूं और वे दूर हो जाते। भोर सत्य का प्रकाश होते ही और परछाई भय और शंका भाग जाती है। मुझे पता है कि दिव्य प्रेम मेरी रक्षा करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे लिए रास्ता साफ करता है। मैं दिव्य में विस्तार कर रहा हूं। मैं अब अपने सभी विचारों, शब्दों और कार्यों में ईश्वर को व्यक्त कर रहा हूं। ईश्वर की प्रकृति प्रेम है। मुझे पता है कि पूर्ण प्रेम ने डर को दूर कर दिया है। गुप्त स्थान। वो सबसे ऊंचे गुप्त स्थान पर रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे रहता है। मैं सर्वशक्तिमान की छाया तले निवास करता हूं। ये मेरा अपना मस्तिष्क है। मेरे सभी विचार सद्भाव, शांति और सद्भावना के अनुरूप है। मेरा मन खुशी, प्रसन्नता और सुरक्षा की गहरी भावना का निवास स्थान है। मेरे मन में प्रवेश करने वाले सभी विचार मेरे आनंद, शांति और जन कल्याण में योगदान करते हैं। मैं सुखद भाईचारे, प्रेम और एकता के माहौल में रहता हूं और चलता फिरता हूं। मेरे मस्तिष्क में रहने वाले सभी लोग ईश्वर की संतान है। मैं अपने घर के सभी सदस्यों और संपूर्ण मानव जाति के साथ मानसिक शांति का अनुभव करता हूं। उसी कलमन साहत की इच्छा मैं अपने लिए और अन्य के लिए भी करता हूं। मैं अब ईश्वर के घर में रह रहा हूं। मैं शांति और खुशी का दावा करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा के लिए ईश्वर के घर में हूं। अपनी भावना को नियंत्रित करें। वो धैर्य से प्रकोप को धीमा कर देता है, लेकिन वो जो जल्दबाजी में रहता है वो मूर्खता करता है। मैं हमेशा संतुलित, शांत और निर्मल रहता हूं। ईश्वर की शांति मेरे मन के साथ साथ मेरे पूरे अस्तित्व को सराबोर कर देती है। मैं बहुमूल्य नियम का अभ्यास करता हूं और ईमानदारी से सभी पुरुषों के लिए शांति और सद्भावना की कामना करता हूं। मुझे पता है कि सभी अच्छी चीजों का प्रेम मेरे मस्तिष्क के भय को समाप्त कर देता है। मैं अब सर्वश्रेष्ठ की खुशी की उम्मीद में रह रहा हूं। मेरा मन सभी चिंताओं और संदेह से मुक्त है। मेरे सत्य के शब्दों ने अब मेरे अंदर के हर नकारात्मक विचार और भावना को समाप्त कर दिया है। मैंने सभी को क्षमा कर दिया है। मैंने अपने हृदय के द्वार को ईश्वर की उपस्थिति के लिए खोल दिया है। मेरा पूरा अस्तित्व प्रकाश एवं ज्ञान से भर गया है। जीवन के क्षुद्र बातें अब मुझे परेशान नहीं करती। जब डर, चिंता और संदेह मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता में निहित विश्वास दरवाजा खोलता है और कोई भी अंदर प्रविष्ट नहीं होता। हे ईश्वर, तू ही मेरा पालनहार है और कोई नहीं। कृतज्ञता की प्रार्थना। ईश्वर को धन्यवाद दो, उसका नाम पुकारो, लोगों को उसके कामों से अवगत कराओ, उसकी महानता के गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सभी चमत्कारिक कामों की चर्चा करो,
उसके पवित्र नाम का गुणगान करो, लोगों के हृदय को प्रसन्न करो जो प्रभु को चाहते हैं। मैं ईमानदारी और विनम्रता से उन सभी अच्छाइयों, सच्चाई और सुंदरता को धन्यवाद देता हूं जो मेरे माध्यम से प्रवाहित है। मेरे मन, शरीर और कार्यों में मेरे लिए जो भी अच्छाई आई है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम और शुभकामनाएं हैं, मैं उन्हें अपने विचार और एहसास में उच्च रखता हूं। मैं हमेशा अपना आभार प्रकट करता हूं और सभी अनुकंपाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा कृतज्ञ हृदय मेरे मन और हृदय को ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति अखंड रूप से एकीकृत कर देता है। मेरे मस्तिष्क की आभारी और उल्लासमय अवस्था मुझे उन रास्तों से ले जाती है जिसके द्वारा सभी अच्छी चीजें आती। धन्यवाद के साथ उसके द्वार में और प्रशंसा के साथ उसके दरबार में प्रवेश करें, उसके प्रति आभारी रहें और उसके नाम का आशीर्वाद दें। अपने दिव्य साथी को कैसे आकर्षित, मुझे पता है कि मैं अब ईश्वर के साथ एकाकार हो गया हूं। मैं उसी में रहता हूं, उसी में चलता फिरता हूं और वही मेरा अस्तित्व है। ईश्वर ही जीवन है। ये जीवन सभी पुरुषों और महिलाओं का जीवन है। हम सभी एक ही पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं जानता हूं और विश्वास भी करता हूं कि प्रेम करने और संजोने के लिए एक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे पता है मैं उसकी खुशी और शांति में योगदान कर सकता हूं। वो मेरे आदर्शों से प्यार करता है और मैं उसके आदर्शों से प्यार करता हूं। वो मुझे बदलना नहीं चाहता, ना ही मैं उसे बदलना चाहता हूं। यही तो पारस्परिक प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। एक मन है। मैं जानता हूं कि वो इस मन को नहीं जीत सकता। मैं अब उन गुणों और विशेषताओं के साथ एकजुट हो गया हूं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं और अपने पति द्वारा व्यक्त करना चाहती हूं। हम मन में एक हैं। हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और प्यार करते हैं। मैं उसमें मसीही को देखती हूं, वो मुझ में मसीही को देखता है। मुझे उससे बिना मिले ही मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरे अपने मन का नियम है। ये शब्द और आगे बढ़ते हैं और जहां उन्हें भेजा जाता है वहां उस कार्य को पूरा करते हैं। मुझे पता है कि ये अब ईश्वर में पूर्ण हो चुका है। आपका धन्यवाद फादर। ईश्वर अभिन्न और अविभाज्य है। उसी में हम प्रेम करते हैं, चलते हैं और वही हमारा अस्तित्व है। मैं जानता हूं और मानता हूं कि ईश्वर हर व्यक्ति में बसता है। मैं ईश्वर के साथ और सभी लोगों के साथ हूं। मैं अब सही व्यक्ति को आकर्षित करता हूं जो मेरे साथ पूर्ण रूप से जुड़ा है। ये एक आध्यात्मिक मिलन है क्योंकि ये ईश्वर की आत्मा है जो किसी ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से कार्य करती है जिसके साथ मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। मुझे पता है कि मैं इस व्यक्ति को प्रेम, प्रकाश और सच्चाई दे सकता हूं। मुझे पता है कि मैं इस आदमी के जीवन को पूर्ण, संपूर्ण और अद्भुत बना सकता हूं। अब मैंने फैसला किया है कि उसके पास अनेक प्रभावशाली गुण और विशेषताएं हैं, यानी वो आध्यात्मिक, वफादार, विश्वसनीय और सच्चा है। वो समृद्ध, शांतिपूर्ण और खुशहाल है। हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। केवल वही जो प्रेम, सत्य और पूर्णता से संबंधित है मेरे अनुभव में प्रवेश कर सकता है। मैंने अब अपने आदर्श साथी को स्वीकार कर लिया है। दिव्य स्वतंत्रता। यदि तुम मेरे वचन के अनुसार कार्य करोगे तो मेरे शिष्य तुम वास्तव में मेरे निकट हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं सत्य से परिचित हूं और सत्य ये है कि मेरी इच्छा की प्राप्ति मुझे हर तरह के बंधन से मुक्त कर देगी। मैं अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करता हूं। मुझे पता है कि ये पहले से ही परमेश्वर के राज्य में स्थापित है। मुझे पता है कि मेरी दुनिया की सभी चीजें मेरे अंदर के नजरिए का अनुमान है। जो कुछ भी सत्य, प्रेम, वैभवपूर्ण और मसीह जैसा है उस पर रहकर मैं अपना मन बदल रहा हूं। अपने आप को अब जीवन की सभी अच्छी चीजों जैसे शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य और खुशी के रूप में देखता हूं। मेरा चिंतन स्वीकृति के बिंदु तक बढ़ जाता है।
मैं अपने हृदय की इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर ही एकमात्र उपस्थिति है। अब मैं ईश्वर की पूर्णता व्यक्त कर रहा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मेरे घर, हृदय और सभी कार्यों में शांति विद्यमान। शांति के लिए प्रार्थना। शांति मेरे साथ शुरू होती है। ईश्वर की शांति मेरे मन को भर देती है। सद्भावना की भावना मुझसे प्रवाहित होते हुए संपूर्ण मानव जाति के लिए आगे बढ़ती है। ईश्वर हर जगह है और ये सभी पुरुषों के हृदयों को पूर्ण करता है। पूर्ण सत्य में सभी पुरुष अब आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हैं। वे ईश्वर के गुणों और विशेषताओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये गुण और विशेषताएं प्रेम, प्रकाश, सत्य और सौंदर्य है। कोई अलग राष्ट्र नहीं है। सभी लोग एक हैं और एक राष्ट्र के, और ये एक राष्ट्र ईश्वर का राष्ट्र है। एक देश एक निवास स्थान है। मैं परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता हूं। मैं चलता फिरता हूं और ईश्वर के साथ बात करता हूं, और ऐसा तो हर जगह सभी पुरुष करते हैं। केवल एक दिव्य परिवार है और वो मानवता है। राष्ट्रों के बीच कोई सीमा या रुकावट नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। ईश्वर अविभाज्य है। ईश्वर को उसके विरुद्ध विभाजित नहीं किया जा सकता। ईश्वर का प्रेम सभी पुरुषों के हृदय में हर स्थान पर एक समान पहुंचता है। ईश्वर और उसका ज्ञान राष्ट्र पर शासन करने के साथ साथ उसका मार्गदर्शन करता है। वो हमारे नेताओं और सभी देशों के नेताओं को अपनी इच्छा और सिर्फ अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वरीय शांति स्पष्ट रूप से प्रवाहित होते हुए मेरे मन के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी पुरुषों के मन को पूर्ण करती है। धन्यवाद फादर। शांति के लिए आपका धन्यवाद। भाग 4, अभिव्यक्ति। मेरे भविष्य की भविष्यवाणी। तूने उसे विभिन्न प्रकार के कामों पर आधिपत्य दिया। मुझे पता है कि ईश्वर में मेरा विश्वास मेरे भविष्य को निर्धारित करता है। ईश्वर में मेरी आस्था का अर्थ ही सभी चीजों में मेरा विश्वास है। मैं खुद को अब सच्चे विचारों के साथ एकजुट करता हूं, और मुझे पता है कि भविष्य मेरी आदतन सोच की छवि और समानता में होगा। किसी व्यक्ति का अपने हृदय की सोच के अनुसार होता है। इसी कारण मेरे विचार हैं, जो भी चीजें सत्य हैं, जो भी चीजें निष्कपट हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो चीजें प्रेमपूर्ण हैं और जो शुभ सूचक हैं, दिन रात मैं इन्हीं चीजों पर ध्यान लगाता हूं, और मैं इन बीजों यानी इन विचारों को जानता हूं जिन पर मैं वास करता हूं। वे मेरे लिए एक समृद्ध फसल बन जाएंगे। मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। मैं अपने भाग्य का मालिक हूं। मेरे विचार और भावना मेरी नियति है, मेरा भाग्य। मुझे पता है कि मैं पुराने जमाने का हूं और अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। ईश्वर में मेरा विश्वास मेरा भाग्य। इसका मतलब है सभी चीजों में दृढ़ विश्वास रखना। मैं सर्वश्रेष्ठ खुशी की प्रत्याशा में रहता हूं और मुझे सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति होती है। मुझे पता है कि मैं भविष्य में फसल काटूंगा, क्योंकि मेरे सभी विचार ईश्वर के विचार हैं और ईश्वर मेरे अच्छे विचारों के साथ है। मेरे विचार अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता के बीज हैं। मैं अब अपने मन के बगीचे में प्रेम, शांति, आनंद, सफलता और सद्भावना के विचारों को रखता हूं। ये ईश्वर का बगीचा है और इससे भरपूर फसल मिलेगा। मेरे जीवन में ईश्वर की महिमा और सुंदरता का खान होगा। इस क्षण से मैं जीवन, प्रेम और सच्चाई व्यक्त करता हूं। मैं हर तरह से प्रसन्न और समृद्ध हूं। आपका धन्यवाद फादर। रचनात्मक कल्पना। वे चीजें जिन्हें तुम दोनों ने सीखा है और प्राप्त किया है और सुना है और मुझ में देखा है, उसे करो और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा मस्तिष्क ईश्वर का मस्तिष्क है और मेरे विचार ईश्वर के विचार हैं। इस तरह मैं अपनी कल्पना का दैनिक उपयोग करता हूं।
मैं लगातार उन पर ध्यान लगाता हूं कि जो सच्ची, ईमानदार, न्यायपूर्ण, प्रेमपूर्ण और शुभ सूचक है। मेरी कल्पना हर समय ईश्वर की कार्यशाला है। मैं केवल शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, धन, उत्तम अभिव्यक्ति और प्रेम की कल्पना करता हूं। मैं ईश्वर या पूर्णता के विपरीत सब कुछ अस्वीकार कर देता हूं। आज मैं परमेश्वर के राज्य में अपनी असली जगह का दावा करता हूं। मैं अपने अंदर पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करने के लिए इसे एक दैनिक अभ्यास बनाता हूं। मुझे पता है कि सभी अच्छी चीजों को शामिल किया जाएगा। मेरा संपूर्ण विश्वास यही हर प्रकार के ईश्वर में है और ये ठीक ही है। मुझ में ईश्वर का प्रेम ही सर्वोच्च है और यही हर प्रकार के भय को बाहर निकालता है। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं फादर। संतुलित दिमाग। आप उसे पूर्ण शांति में रखते हैं जिसका मन आप पर टिका हुआ है, क्योंकि उसने आप पर विश्वास किया है। मुझे पता है कि मेरे हृदय में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे ईश्वर से आती हैं, जो मेरे अंदर वास करता है। ईश्वर चाहता है कि मैं खुश रहूं। मेरे लिए ईश्वर की इच्छा जीवन, प्रेम, सच्चाई और सौंदर्य है। मैं मानसिक रूप से अब अपने अच्छे को स्वीकार करता हूं और मैं दिव्य के लिए एक आदर्श, स्वतंत्र बहता हुआ माध्यम बन जाता हूं। मैं उसके सामने गाते हुए आता हूं। मैं प्रशंसा के साथ उसके दरबार में प्रवेश करता हूं। मैं हर्षित और प्रसन्न भी, मैं शांत हूं और संतुलित। मेरे कान में अभी भी हल्की सी आवाज फुसफुसाती है जिससे मुझे अपना सही उत्तर पता चलता है। मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति हूं। मैं हमेशा अपनी सच्ची जगह पर हूं। मैं वही काम कर रहा हूं जिसको करना मैं पसंद करता हूं। मैं मनुष्य के विचारों को सत्य मानने से इनकार करता हूं। मैं अब अंदर देखता हूं और मैं दैवी लय को महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के प्रेम के संदेश को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुनता हूं। मेरा मन ईश्वर का मन है और मैं हमेशा दिव्य ज्ञान और दिव्य बुद्धि को प्रतिबंधित करता हूं। मेरा मस्तिष्क मसीह की क्षमता को बुद्धिमानी और आध्यात्मिक रूप से सोचने का प्रतीक है। ईश्वर के विचार मेरे दिमाग के अंदर व्यवस्थित अनुक्रम के साथ सामने आते हैं। मैं हमेशा संतुलित, शांत और निर्मल रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर हमेशा मेरी सभी जरूरतों के लिए सही समाधान प्रकट देंगे। रचनात्मक शब्द। तुम वचन के कर्ता हो और तुम केवल श्रोता को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा दे रहे। मेरा रचनात्मक शब्द मेरा मूक विश्वास है कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है। जब मैं उपचार, सफलता या समृद्धि के लिए शब्द बोलता हूं तो मेरा शब्द जीवन और शक्ति की चेतना में बोला जाता है, ये जानते हुए कि ये किया जा रहा है। मेरे शब्द मेरे शक्ति हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापिता के साथ एक हैं। मेरे द्वारा बोले गए शब्द हमेशा रचनात्मक और मौलिक होते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे शब्द जीवन, प्रेम और भावना से भरे होते हैं। ये मेरे प्रतिज्ञान, विचारों और शब्दों को रचनात्मक बनाते हैं। मैं बोले गए शब्द के पीछे जितना बड़ा विश्वास रखता हूं उसके पास उतनी ही आर्थिक शक्ति होती है। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द एक निश्चित तरीका बनाते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि मेरा विचार किस रूप में लेना चाहिए। दिव्य बुद्धिमता मेरे माध्यम से संचालित होती है और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या जानना है। अब इसके बारे में भली भांति जानता हूं। मैं शांति महसूस कर रहा हूं और ईश्वर शांति ही तो है। उत्तरित प्रार्थना। इससे पहले कि वे प्रश्न करें मैं जवाब दूंगा, और जब वे बोल रहे हों तो मैं सुनूंगा। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आह्वान करता हूं। मेरी अपनी चेतना फादर ही तो है और बेटा मेरी इच्छा है। पवित्र आत्मा वो होने की अनुभूति है जो मैं होना चाहता हूं। मैं जब समस्या से अपना ध्यान हटा लेता हूं, चाहे कुछ भी हो, मेरा मन और हृदय उच्च प्रवाह के लिए खुला है। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। मैं समझता हूं, महसूस करता हूं और ये भी जानता हूं कि मेरा अपना जीवन, मेरे होने की जागरूकता पवित्र आत्मा की तरह सर्वशक्तिमान है। अब मैं उससे मिलकर एक हो गया हूं जो हमेशा के लिए।
ईश्वर का प्रकाश मेरे मार्ग को रोशन करता है। मैं सभी मार्गों में दिव्यांगता से प्रेरित और शासित हूं। अब मैं वैज्ञानिक रूप से प्रार्थना करना शुरू कर देता हूं, ताकि मैं दावा करने और खुद को महसूस करने की इच्छा पैदा कर सकूं कि मेरे पास क्या होना है और क्या प्राप्त करना है। मैं आत्मा के बारे में जानता हुआ आंतरिक मौन में चलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थना को पहले ही सुन लिया गया है, क्योंकि मुझे इसकी वास्तविकता अपने हृदय में महसूस होती है। आपका धन्यवाद फादर, ये हो गया है। ईश्वरीय उत्तर। मुझे पता है कि मेरी समस्या का जवाब मेरे अंदर विद्यमान ईश्वरत्व में निहित है। अभी भी मैं शांत और स्थिर हूं, मैं शांतिमय हूं। मुझे पता है कि ईश्वर शांति में बोलता है, भ्रम में नहीं। मैं अब अनंत के साथ तालमेल बिठा रहा हूं। मुझे पता है और विश्वास है कि अनंत बुद्धिमता मुझे सही जवाब दे रही है। मैं अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता हूं। मैं अब उस मनस्थिति में रहता हूं जहां मेरी समस्या समाप्त होती है। मैं वास्तव में इस विश्वास और आस्था के साथ रहता हूं जो समाधान की स्थिति है। ये मेरे अंदर चलती हुई ईश्वर की आत्मा है। ये आत्मा सर्वशक्तिमान है। ये स्वयं प्रकट हो रही है। मेरे पूरे समाधान में आनंद आ रहा है, मुझे खुशी है। मैं इस भावना में जी रहा हूं और धन्यवाद देता हूं। मुझे पता है कि ईश्वर के पास जवाब है। भगवान भरोसे सब हो सकता है। ईश्वर मेरे अंदर जीवित आत्मा है। वो संपूर्ण ज्ञान और उद्बोधन का स्रोत है। मेरे अंदर ईश्वर की उपस्थिति का सूचक शांति और संतुलन की भावना है। मैं अब तनाव और संघर्ष की सभी भावना को समाप्त कर देता हूं। मुझे ईश्वर शक्ति पर भरोसा है। मुझे पता है कि एक शानदार और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक संपूर्ण ज्ञान और शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। मैं अपने पूरे शरीर को आराम देता हूं। मेरा सारा बोझ मसीह पर डाल देता हूं और मुक्त हो जाता हूं। मैं दावा करता हूं और ईश्वर की शांति मेरे मन, हृदय और पूरे अस्तित्व को प्रवाहित करती है। मुझे पता है कि शांत मन अपनी समस्याओं को हल करता है। अब मैं ईश्वर उपस्थिति के अनुरोध को ये जानते हुए मोड़ देता हूं कि इसके पास जवाब है। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। ईश्वरीय मार्गदर्शन। मैं अब ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता पर ध्यान केंद्रित कर। मुझे पता है कि ये अनंत बुद्धि अपने स्रोत के माध्यम से ग्रहों का मार्गदर्शन कर। मैं जानता हूं कि ये वही दिव्य बुद्धि है जो मेरे सभी मामलों को नियंत्रित करती है और निर्देशित करती है। मैं दावा करता हूं और मानता भी हूं कि ईश्वरीय समझ हर समय मेरी है। मुझे पता है कि मेरी सभी गतिविधियां इस उपस्थिति से नियंत्रित हो। मेरे सभी उद्देश्य ईश्वर के समान और सच्चे हैं। ईश्वर की बुद्धि, सच्चाई और सुंदरता हर समय मेरे द्वारा व्यक्त की जा रही। सब जानने वाला मेरे अंदर है। उसे पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। मेरा व्यवसाय या पेशा पूरी तरह ईश्वर के प्रेम द्वारा नियंत्रित, शासित और निर्देशित है। ईश्वर ये मार्गदर्शन मेरा है। मुझे पता है कि मैं ईश्वर ये उत्तर से परिचित हूं, क्योंकि मेरा मन शांति के घर में है। मैं चिरस्थायी भुजाओं में विश्राम करता हूं। सही कार्यवाही। मैं विचार, शब्द और कर्म में संपूर्ण मानव जाति के लिए सद्भावना को विकीर्ण करता। मैं शांति और सद्भावना को अपने साथी को विकीर्ण करता हूं जो मेरे पास हजार गुना होकर वापस आता। मुझे जो कुछ भी जानना है वो मेरे अंदर के स्व ईश्वर से मुझे प्राप्त हो जाता है। अनंत बुद्धिमता मेरे माध्यम से परिचालित हो रही है, मुझे ये प्रकाशित करते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे अंदर विद्यमान ईश्वर उत्तर जानता है। अब सही जवाब मुझे ज्ञात है। अनंत बुद्धिमता और ईश्वरीय बुद्धि मेरे माध्यम से अलौकिकता बनाती है और मेरे जीवन में केवल सही कार्य और सही अभिव्यक्ति होती है। हर रात मैं खुद को ईश्वर के प्रेम के मंत्र में लपेटता हूं और दिव्य मार्गदर्शन को जानकर सो जाता हूं। जब भोर होती है तो मैं शांति से भर जाता हूं। मैं विश्वास, आत्मविश्वास और आस्था से भरे नए दिन में आगे बढ़ता हूं। आपका धन्यवाद। मेरी इच्छा का पुनरुत्थान।
ईश्वर की वाणी स्वास्थ्य सौहार्द शांति प्रचुरता और सुरक्षा की मेरी इच्छा से बात करती है। मैं निश्चित रूप से खुश और सफल होना चाहता हूँ। मुझे ईश्वर सभी तरह से रास्ता दिखाता है। मैं अपने मस्तिष्क और हृदय को पवित्र आत्मा के लिए मुक्त कर देता हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव में सफल और खुश लोगों को आकर्षित करता हूँ। मैं अपने भीतर केवल ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति को पहचानता हूँ। ईश्वरीय प्रकाश मुझे और मेरे अंतर्मन को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। ईश्वर के प्रेम का निस्सरण मेरे अंदर प्रवाहित होता है। ये मेरे पास आने वाले लोगों के लिए एक उपचार है। मैं अब वो होने का एहसास करता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। मुझे अपनी इच्छा को पुनर्जीवित करने का तरीका पता है। ये तरीका सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है और ये जानते हुए कि मेरे लिए एक सर्वशक्तिमान शक्ति काम कर रही है, मैं विश्वास और आत्मविश्वास की इस मनोदशा में रहता हूँ। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर में स्थापित है और सब अच्छा है। स्वयं का लक्ष्य हासिल करना, सभी तरीके से उसे स्वीकार करते हैं और वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दे। ईश्वर के बारे में मेरा ज्ञान और काम करने का तरीका लगातार बढ़ रहा है। मैं अपनी सभी भावनाओं को शांतिपूर्ण रचनात्मक माध्यम के साथ नियंत्रित और निर्देशित करता हूँ। दिव्य प्रेम मेरे विचारों शब्दों और कार्यों को परिपूर्ण कर देता है। मेरा मन शांति के घर में है। मैं अपने साथी के साथ शांति से हूँ। मैं हमेशा निश्चिंतता से रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ ईश्वर को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए हूँ। मेरा मानना है कि मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में निहित हूँ। मेरे अंदर की ये असीम बुद्धिमता अब मुझे अभिव्यक्ति की सही योजना बताती। मैं इसे आत्मविश्वास और खुशी से करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो अच्छा है और बहुत अच्छा है। मैं निश्चय ही तृप्ति के रास्ते पर हूँ। सर्वशक्तिमान सत्ता अब मेरी ओर से अग्रसर होती। वो मेरे मार्ग को प्रशस्त करने वाला प्रकाश है। व्यवसायिक समस्याएं, मैं जानता हूं और मानता हूं कि मेरा कार्य ईश्वर का कार्य है। ईश्वर मेरे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में मेरा साथी है। मेरे लिए इसका मतलब है उसका प्रकाश, प्रेम, सच्चाई और प्रेरणा हर तरह से मेरे हृदय और मस्तिष्क को भर देता है। मैं अपने अंदर की दिव्य शक्ति पर अपना पूरा भरोसा रखकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। मुझे पता है कि उसकी उपस्थिति सब कुछ बनाए रखती है। मैं अब सुरक्षा और शांति में आराम करता हूँ। इस दिन मैं सही समझ से घिरा हुआ हूँ। मेरी सभी समस्याओं का एक दिव्य समाधान है। मैं निश्चित रूप से सभी को समझता हूँ। मुझे भी स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है। मुझे पता है कि मेरे सभी व्यापारिक संबंध सद्भाव के ईश्वरीय कानून के अनुरूप है। मुझे पता है कि मसीह मेरे सभी ग्राहकों को प्रेरित करता है। मैं दूसरों के साथ सौहार्दपूर्वक काम करता हूँ, ताकि अंत में खुशी, समृद्धि और शांति का सर्वोच्च शासन हो। व्यापार में सिद्धांत, मेरा व्यवसाय ईश्वर का व्यवसाय है। मैं हमेशा अपने पिता के व्यवसाय में हूँ, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन, प्रेम और सत्य को विकीर्ण करता है। मैं अब अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को शानदार तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे दिव्य उपहार दिया जाता है। ईश्वर मेरे व्यवसाय, पेशे या गतिविधि को अद्भुत तरीके से समृद्ध कर रहे हैं। मेरा दावा है कि मेरे संगठन के सभी लोगों का विकास, कल्याण और समृद्धि में आध्यात्मिक संबंध है। मुझे ये पता है कि ये विश्वास करते हैं और ये खुशी है कि ऐसा है। मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग दिव्य और प्रकाश द्वारा प्रकाशित, वो प्रकाश जो दुनिया में आने वाले हर आदमी को प्रकाशित करता है और मुझे हर तरह से निर्देशित करता है। मेरे सभी निर्णय दिव्य बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। अनंत बुद्धिमता से उस बेहतर तरीके का पता चलता है, जिससे मैं मानवता की सेवा कर सकता हूँ। मैं हमेशा के लिए प्रभु में विश्राम करता हूँ। अपनी समस्याओं को कैसे हल करें? जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किन चीजों की इच्छा करते हैं? विश्वास करें कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे और आप उन्हें प्राप्त कर ही लेते हैं।
मुझे पता है कि किसी भी समस्या का समाधान इच्छा के रूप में इसके अंदर ही होता है। मेरी इच्छा का एहसास अच्छा और बहुत अच्छा है। मुझे पता है और विश्वास भी है कि मेरे अंदर रचनात्मक शक्ति को लाने की पूर्ण शक्ति है। जिस सिद्धांत ने मुझे इच्छा दी है, वो सिद्धांत ही इसे जन्म देता है। इस बारे में मेरे दिमाग में कोई तर्क नहीं। मैं अब उस सफेद घोड़े की सवारी करता हूं जो मेरे मन के पनीली सतह पर विचरण करती हुई ईश्वरीय आत्मा है। मैं अपना ध्यान समस्या से हटाता हूं और पूरी हुई इच्छा की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है। मैं इसकी वास्तविकता को महसूस करके इसे वास्तविक बनाता हूं। उसी में रहता हूं, चलता फिरता हूं और इसी में मेरा अस्तित्व है। मैं इस भावना में रहता हूं और धन्यवाद देता हूं। सफलता के लिए कदम। क्या आप अपने पिता के व्यवसाय के लिए ऐसा नहीं करेंगे? मुझे पता है कि मेरा व्यवसाय, पेशा या गतिविधि ईश्वर का व्यवसाय है। ईश्वर का व्यवसाय मूल रूप से हमेशा सफल होता है। मैं हर दिन ज्ञान और समझ में बढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं और इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि ईश्वर का नियम बहुतायत से मेरे लिए है, मेरे माध्यम से और मेरे चारों ओर काम कर रहा है। मेरा व्यवसाय या पेशा सही कार्यवाही और सही अभिव्यक्ति से भरा है। विचार, पैसा, व्यापार और संपर्क जिनकी मुझे आवश्यकता है, वे अब और हर समय मेरे पास है। सर्वभौमिक आकर्षण के नियम से ये सभी चीजें मेरी ओर आकर्षित हैं। ईश्वर मेरे व्यवसाय का जीवन है। मैं हर प्रकार से दिव्य रूप से निर्देशित और प्रेरित हूँ। हर दिन मुझे विकसित होने, विस्तार करने और प्रगति करने के अद्भुत अवसर प्रदान किए जाते हैं। मैं सद्भावना का निर्माण करता हूँ। मैं एक बड़ी सफलता हूँ क्योंकि मैं दूसरों के साथ व्यापार करता हूँ जैसा कि वे मेरे साथ करने देता हूँ। प्रार्थना की विजय। मैंने अब सब कुछ जाने दिया। मैं शांति, सद्भाव और आनंद की प्राप्ति में प्रवेश करता हूँ। हर ओर ईश्वर है, सभी के माध्यम से है और सभी में है। मैं विजयी जीवन का नेतृत्व करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिव्य प्रेम मार्गदर्शन करता है, दिशा निर्देशन करता है, मुझे बनाए रखता है और मुझे स्वास्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर की बेदाग उपस्थिति मेरे अस्तित्व के केंद्र में है। ये मेरे शरीर के कण कण में प्रकट होता है। मेरे दिल की इच्छा को पूरा करने में कोई देरी, बाधा या रुकावटें नहीं हो सकती। सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति अब मेरी ओर से बढ़ रही है। कोई भी अपना हाथ नहीं रखेगा और ये कहेगा, तू क्या कर रहा है? मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। मेरी इच्छाएं स्पष्ट और निश्चित हैं। मैं इसे अपने मन में पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं अंत तक वफादार हूं। मैंने यरूशलेम में प्रवेश किया है। इसका मतलब है कि मेरा मन शांति के घेरे में है। पुस्तक एक।